Assalamu alaikum everyone, and hey guys, welcome back to another vlog with me, Xenia Suhail. आज है थर्सडे की सुबह, तो ये समझ ले कि फ्राइडे है, बिकॉज अभी 1 बज रहा है और हम जा रहे हैं सैरी स्टेक हाउस के लिए। आप लोगों को तो पता ही है कि बाबा को अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कितने पसंद है और हम कितने दफ़ा उठ के जाते हैं, तो हमारी तो बस हो गई ना। बट अभी मुझे भी दिल कर रहा था कि कहीं भाई सैरी कर ले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान के आखिरी 10 दिन तो आने वाले, सिर्फ 2 दिन रह गए, 1 दिन, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। पूरा रमजान गुजर गया और हमने कभी भाई सहरी नहीं की, तो मैंने सोचा कि अगर हम कर ही रहे तो आपको भी साथ लेकर चलते हैं, और हम जा रहे हैं गोरों वाली सहरी करने। सुबह के 2 और अभी हम जा रहे हैं सहरी करने। हमारे साथ अच्छा सा सैलड का प्लेटर भी ना, क्योंकि हमें हेल्दी खाना, थोड़ा सा हेल्दी तो होना चाहिए ना। ये रहा मेरा सैलड का प्लेट, मैंने बड़ी मुश्किल से ये बनाया, बताई मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें और मेरी फेवरेट चीज़ें डाली हैं, और अभी हम इसी से गुजारा करते हैं। वैसे पेट इतना ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि मेन कोर्स भी आना है और वो कौन खाएगा, मैंने पूरा खाना है। मज़ेदार हमने सैलड टिका के खा लिया और सूप भी पी लिया, श्रिप्स भी आए थे, और देखे क्या हालत हो गई, बिल्कुल सारे रखे हैं एज इट इज रखे हैं। चले अभी दिल तो बड़ा कर रहे हैं मेन कोर्स खाने को, बट जगह कोई नहीं है मेन कोर्स खाने को, बट थोड़ा जगह ऐसे ऐसे करके बना ले रही है मेन कोर्स के लिए। चले जी, अब बारी आती है मेन कोर्स की और हम टेस्ट टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार है। इधर देखो, बस हो गई हमारी, खाया पिया कोई नहीं, ग्लास थोड़ा 12 का। थैंक यू। पेट जितना भरो आइसक्रीम की तो जगह ही होती है, रहती है।
हम इनवाइटेड थे हॉलीडे में इफ्तार के लिए, और अभी हम रोज़ा खुलने में थोड़ा सा ही टाइम है, तब तक हम दुआएं मांगते हैं, उसके बाद रोज़ा खोलते हैं, इफ्तार करते हैं और आपको रमज़ान की रौनक दिखाते हैं। रमज़ान करीम, अभी हम आए हैं रमज़ान के फेस्टिवल पे और आए आप लोग हमारे साथ आएँ और आकर देखें कि क्या क्या चीज़ें इस फेस्टिवल में लगी हुई हैं। Ketchup minus? Sabar, böyle bak. Akil, gel biraz. Akil. Bye bye. Thank you.
यहाँ पर अलग 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 कंट्रीज के फूड कार्ट्स लगे, फूड ट्रक्स लगे हैं, अलग अलग चीज़ों के फूड ट्रक्स लगे हुए। तो हम जल्दी से हमारी तुर्किश आइसक्रीम ख़त्म करके ये घूमते और कुछ लेते भी है खाने को। मुझे तो दिल कर रहा है वहाँ जाने। अभी हमने कोरियन स्टाइल क्या था द क्रंच पर कोरियन स्टाइल कोल्ड डॉग का ऑर्डर दिया है। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, जब तक आइसक्रीम ख़त्म करते तब तक हमारा कोल्ड डॉग भी तैयार हो रहा है और उसके बाद हम आपको कोल्ड डॉग भी दिखाते हैं। मुझे तो बहुत शौक है खाने को, पर अभी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं और इबादतें करके अभी सब बाहर आए अपना टाइम इंजॉय करने के लिए। Two thousand years later. Let's give it another shot. Day 2, day 3, day 4. कोरियन डॉग खा रही है और बहुत मजे का था। इट वॉज सो गुड। तो वो गर्म था बट वॉज रियली अमेजिंग। मतलब गर्म ही तो होता है। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड अल्लाह हम सब की इबादतें कबूल करे और हम सब को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स अदा कर दे। और थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लव यू गाइस सो मच। अल्लाह हाफिज़।